और श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट से निपटने के लिए नई सरकार को बड़ी चुनौतियों से जूझना होगा। साथ ही वहां कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना भी बड़ी चुनौती है। गोटाबाया के इस्तीफे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि हालात जल्द से जल्द सामान्य होंगे। श्रीलंका में एक और सरकार गठन की कोशिशें तेज हो गई हैं, तो वहीं अराजकता से निपटने पर भी जोर दिया जा रहा है। जनक्रांति के छठे दिन कल देखते ही देखते कोलंबो की सड़कों पर टैंक दौड़ने लगे। संसद भवन के आसपास के इलाकों में आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया। प्रदर्शनकारी बुधवार शाम से ही संसद भवन के आसपास के इलाकों में जमा होने लगे थे। कल उन्होंने संसद भवन को भी घेरने का प्लान बनाया था, लेकिन वहां राष्ट्रपति भवन और पीएम ऑफिस जैसी सिचुएशन ना बने, इसके लिए संसद भवन की ओर जाने वाली सड़कों पर आर्मी तैनात कर दी गई। वहां परमानेंट बैरियर लगा दिए गए थे। बुधवार को गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागने के बाद प्रधानमंत्री ऑफिस जंग का मैदान बन गया था, लेकिन कल उसे श्रीलंका एयरफोर्स के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों को बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पीएम हाउस में दाखिल हुए। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन भी 5 दिन तक प्रदर्शनकारियों के कब्जे में रहा। सरकार की सख्ती देखते हुए कल उन्होंने उसे भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। गोटाबाया के इस्तीफे के बाद अब लोगों को उम्मीदें जगी हैं कि वहां के हालात सुधरेंगे, हालांकि टेंशन अभी भी बरकरार है। और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। जरूरी सामान की सप्लाई रुक गई है। तेल, गैस, दवा, खाने के सामान की किल्लत बढ़ती जा रही है। ऐसे में श्रीलंका के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की अपील कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे ने श्रीलंका के कुछ लोगों से बात की, उनकी रिपोर्ट देखी। जो स्थिति हो रही है, क्या चल रहा है, क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे श्रीलंका बदलेगा और क्या लग रहा है श्रीलंका उबर पाएगा इस संकट, इस मुसीबत से? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलना चाहिए, इंडिया इज आवर बिग ब्रदर, वी नीड ऑलवेज इंडियाज हेल्प फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द हिस्ट्री दे ऑलवेज हेल्प अस, विदाउट इंडिया वी कैनॉट गो फॉरवर्ड। सो मैं क्या बोलता है, मोदी सर को मैं बहुत प्यार करता है, आई लाइक हिम एंड आई लाइक इंडियंस, वी वॉन्ट देम टू हेल्प एंड आई वॉन्ट नरेंद्र मोदी टू बी वेरी स्ट्रांग इन दिस केस, इंडिया टॉक टू द प्रेसिडेंट, टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क देम व्हाट इज द हेल इज गोइंग ऑन इन श्रीलंका, ही कैन एडवाइज देम, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। श्रीलंका के सबसे मुश्किल की घड़ी में लोगों की उम्मीद अब भारत और भारत के प्रधानमंत्री से है कि वो हस्तक्षेप करे और श्रीलंका को इस मुसीबत से निकाले, क्योंकि इस मुसीबत से श्रीलंका को अगर कोई निकाल सकता है तो लोगों को ऐसा मानना है कि वो भारत है और भारत को अब हस्तक्षेप करना चाहिए।